नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंगलाजगढ़ किले के इतिहास के बारे में। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बानपुरा तहसील में स्थित है। इस किले को 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करने वाले परमार राजाओं ने बानपुरा से 26 किलोमीटर दूर एक अद्भुत किले का निर्माण करवाया था। आज यह किला खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसकी बनावट और शिल्पकारी को देख वैभव के चरमकाल में इनकी बुलंदियों का अंदाज ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, किले में गुप्त और परमार काल की चौथी और पांचवी शताब्दी की मूर्तियां जहां इनके आदित्य मूल्य शिल्प को दर्शाती है। इस किले में रहस्य और रोमांच की एक अलहदा कहानी भी जुड़ी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील के नावली गांव में पहाड़ी पर बना हुआ प्राचीन हिंगलाजगढ़ किला है। परमार काल में यह किला अपने वैभव के चरम पर था। किले में विभिन्न कालखंडों की मूर्तियों कलाकृतियां आज भी मौजूद है। हिंगलाज किला लगभग 800 वर्ष तक मूर्त शिल्प कला का केंद्र रहा है। इस किले में मिली मूर्तियां गुप्त और परमार काल की है। किले में मिली सबसे पुरानी मूर्तियां तो लगभग 1600 साल पुरानी मानी जाती है। दोस्तों, हिंगलाज किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार कालीन राजाओं ने किया था। इसके बाद यहां चंद्रावतों का शासन हुआ था। यह खंडरों में तब्दील हो गया। किले में मिले पाली लिपि में लिखे प्राचीन शिलाखंड हैं, जो इस किले के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। इसी के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले चित्तौड़ पर शासन करने वाले तक्ष जाति का संबंध मोरी जनजाति से था और परमार इसी मोरी जनजाति के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों, परमार काल में हिंगलाज दुर्ग सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था और परमारों ने इसे मजबूत बनाने का काम किया था। सन 1281 ईस्वी में हाड़ा शासक हालू ने इस पर किले पर कब्जा कर लिया था और बाद में यह किला चंद्रावत शासकों के अधीन हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।